अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको रेमेडीज बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, टिप्स देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैं आपको मालूमात देता हूँ सेहत के हवाले से। और दोस्तों जैसे कि आपको पता आजकल डेंगू बुखार बहुत फैल रहा है और काफ़ी लोगों को हो भी चुका है, तो स्पेशली लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर यह बहुत फैल रहा है, तो इवन अंदर पूरे पाकिस्तान में इसका जो है असर नज़र आ रहा है। 2010-09 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डेंगी जो है फीवर फैला था। दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है, वो मौत के करीब तक आप होते हैं। आपने जस्ट एहतियातें करनी है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आपने इसके ऊपर अमल करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप जो डेंगी का जो मच्छर है वो साफ पानी के ऊपर जो है बैठता है, उसी के ऊपर अंडे देता है, उसी के ऊपर उसके जो है लार्वा बनते हैं और दोस्तों उसी से वो पैदा होकर फिर फ्लाई हो जाता है और फिर जब वो आगे नस्ल बढ़ाते हैं तो डेंगू बहुत तेज़ी के साथ फैलता है मच्छर की वजह से। तो दोस्तों आपने मच्छरों से अवॉइड करना है। और दूसरा, आजकल जो है हैज़ा बहुत फैल रहा है, डायरिया बहुत लोगों को हो रहा है, लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं, शेड्स करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पेट के अंदर जाकर वो डायरिया का सबब बनता है, आपको हैज़ा होता है, खाना हजम नहीं होता, उल्टी आ रही होती है। और मैं आज आप लोगों को डेंगू और जो हैज़ा आजकल बहुत फैल रहा है इससे जो है बचने का बहुत ही आसान तरीन तरीका बताऊंगा और करना भी इसे बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने अपने घर के अंदर जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो बाहर फेंकना है, आपने डेली जमा नहीं करना, उस पर भी मक्खियां भी पैदा होती हैं, मच्छर भी पैदा होते हैं। और आपने जो है पानी किसी भी जगह पे जमा नहीं होने देना। और दोस्तों अगर आपको खाने पीने वाली चीज़ों से आपने ढांप के रखना है। और दूसरा रह गया मच्छर का मसला और मक्खी का मसला, तो अगर हो सके तो आप अपने जो है बगीचे के अंदर जो है नीम के दरख्त लगा दें, नीम के जो दरख्त के करीब जो है मच्छर मक्खी नहीं आती, वो किसी भी किस्म का इंसेक्ट हो वो भी भागता है, इसमें से एक खास मैल निकलती है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीम का दरख्त बड़ा होता है, बड़े होने में भी टाइम लेता है, और दोस्तों आपने नर्सरी में जाकर छोटे गमले लेकर उसके अंदर आपने दो किस्म के पौधे लगाने, एक आपने बेजल लीव लगाने, और दोस्तों इसे बेजल को तुलसी का पौधा भी कहते हैं, रेहान भी बोला जाता है कई जगहों पर, और दोस्तों पंजाबी के अंदर इसे नियाजबो बोला जाता है। और आपने साथ में मिंट लगाने हैं दोस्तों, जो देसी मिंट होता है यानी पुदीना होता है वो आपने लगा लेना है। और कम से कम आपने, अगर आपका 3 से 4 मरले का घर है, जस्ट आपने कमरे के आसपास और कमरे के अंदर 5-6 जो है नियाजबो के और पुदीने के पौधे रख देने गमलों के अंदर। और कोशिश कीजिएगा उससे जब आपने पानी देना तो उसके अंदर पानी जमा नहीं होने देना। और दोस्तों आप तुलसी के यानी नियाजबो के और पुदीने के तो मच्छर आपके करीब भी नहीं आएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने घर के अंदर नीम के दरख्त लगाया हुआ है और मैंने जगह जगह पुदीना लगाया हुआ है और नियाजबो लगाए हुए हैं, और दोस्तों मेरे घर के अंदर मच्छर बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त तीनों पौधे हैं और नेचुरल वे की तरफ आप आएँ, इसे करना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों आपने इस अवेयरनेस को जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना है, ये वीडियो बहुत अहम है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, आपने उसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत दे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।